तथा पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया इनकी ओर से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और काकीनाडा यहाँ के अस्थाई कामगारों को जीवन आवश्यक वस्तु की सहायता की गई। इस पर कामगारों ने श्री पुगलिया का आभार माना। देश और महाराष्ट्र में पिछले 21 दिनों से लॉकडाउन खत्म होने बाद 19 दिन का लॉकडाउन शुरू है। संपूर्ण देश में कोरोना वायरस से निर्माण हुई परिस्थिति के अनुरूप कामगार जहां है वहां रहकर प्रशासन को सहकार्य कर रहे हैं। ऐसे में स्थानिक चंद्रपुर के ठक्कर कॉलोनी इरई नदी के पास एक वर्ष से किराए के घर में अस्थाई कामगार रह रहे हैं। दूसरा लॉकडाउन शुरू होने से इस अस्थाई कामगार के खाने की अव्यवस्था निर्माण हुई, जिसे कामगार पैदल ही 750 किलोमीटर जाने के लिए आंध्र प्रदेश के लिए विशाखापट्टनम और काकीनाडा में निकले। तभी जटपुरा गेट यहां के कांग्रेस के मनपा नगर सेवक देवेंद्र पेले ने इस कामगार से पूछताछ की। उसने बताया कि उनके खाने का इंतजाम नहीं हो रहा है, इसी कारणवश सभी कामगार गांव की ओर निकले है। उक्त जानकारी मनपा नगर सेवक देवेंद्र पेले ने फोन द्वारा चंद्रपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महेश्वर रेड्डी इन्हें दिए। उक्त मामले की दखल लेकर पुलिस अधीक्षक ने तत्काल पुलिस यंत्रणा भेजकर कामगारों को उनके ठक्कर कॉलोनी में पहुंचाया। अस्थायी कामगारों के खाने का इंतजाम होने का पता चलते ही कामगार नेता तथा पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया इनकी ओर से कामगारों को 15 दिन के खाने की व्यवस्था के तौर पर जीवनावश्यक वस्तु की किट्स दी गई। उक्त जीवनावश्यक वस्तु का वितरण विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष तथा मनपा नगर सेवक देवेंद्र पेले, मनपा नगर सेवक अशोक नागपुरे ने किया। उक्त कामगारों ने उनके खाने की व्यवस्था करा देने पर नरेश बाबू पुगलिया इनका आभार माना।